One screen clear. Clear. Yes, sir. ओके ओके चलिए तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि आपका अपोजिट एडजेसेंट कैसे किस तरीके से लेना है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं ताकि रिवाइज हो जाए। होप सो आपने ब्रेक में फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे, ऐसा भरोसा कर रहे हैं आपके ऊपर। हाँ सर किए हैं। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ट्राइंगल चला गया, वापस मुझे ट्राइंगल कॉपी करना पड़ेगा। चलिए ट्रायंगल दिख रहा है आपको? यस सर। ओके फाइन। थोड़ा सा वार्म अप ले लेते हैं यहाँ पे ऑपोजिट हाइपो वाला ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। चलिए अपने वैल्यू लिख लाऊँ यहाँ पे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ले लिया 9, 6, 8, 12, root 13, 4, 8, 3, 10, 8, 9, 16, 10, 4, 28, 9, 3, 4, 2, 8, 1, 3। ठीक है चलिए यहाँ पे ले लिया हमने थीटा, यहाँ पे ले लिया अल्फा, यहाँ पे लिया है बीटा, यहाँ पे लिया थीटा, अल्फा, थीटा, बीटा और थीटा। चलिए अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका क्या निकालना है, थीटा का अपोजिट निकालना, थीटा का अपोजिट चाहिए। तो क्या आएगा मुझे 9 मिलेगा और एडजेसेंट क्या मिलेगा 6 मिलेगा, राइट। सेम हम इसमें बात करें तो अल्फा का अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्फा का अपोजिट मतलब ये वाला कौन होगा, रूट 13 और एडजेसेंट, एडजेसेंट अल्फा का एडजेसेंट क्या हो जाएगा 12। ठीक है फिर मुझे इसमें अपोजिट चाहिए तो बीटा का अपोजिट कौन है 3 और इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा 8। बहुत ही अच्छा। अब इसमें देखो आप यहाँ पे थीटा का एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी कौन है, पड़ोस में बैठा हुआ 8 और अपोजिट मतलब उसके सामने वाला 9। ठीक है चलिए अब अल्फा का अपोजिट चाहिए हमें, इसका अपोजिट अपोजिट हो गया 3 और एडजेसेंट चाहिए इसके बाजू में 1। फिर यहाँ पे हमें थीटा का अपोजिट चाहिए, थीटा का अपोजिट 4 और थीटा का एडजेसेंट 2 हो गया 2। तो सर ये हाइपोटेनस वाली साइड का क्या, अभी कुछ इसका रोल नहीं है, अभी इसका कुछ रोल नहीं है, इसका एडजेसेंट देखेंगे इसके बाजू में मतलब 8 और अपोजिट देखेंगे तो 9। बताओ सर, सिर्फ आप ही आंसर बोलो, जेबा बोल रही है सर आप ही आंसर बोलो। ओके
ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे थीटा के सामने मतलब टेन है, अपोजिट में क्या आया, टेन आया, और थीटा का एडजेसेंट फोर आ गया। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ एक ट्रायंगल में एक ही थीटा लिया है, एक ही अल्फा एक ही बीटा लिया है। अब देखना, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। जितना कॉम्प्लिकेट बनाएंगे समझने में उतना आसानी रहेगा, और आप हर तरीके के सवाल कर बना पाओगे। चलिए फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है रेड से, √3, √2, √x, √y, 3x, 2y, 9, 8, फिर 10 ले लो, यहाँ पे √25 ले लो, ये भी 3 ले लिया आपने, 9 ले लिया। अब मैं एक ही ट्रायंगल में दो, देखो थीटा भी लिया है, इस बार यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ, इस बार यहाँ थीटा ले लिया, इस बार यहाँ थीटा ले लिया। चलिए क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, बीटा भी ले रहा हूँ। चलो यहाँ बीटा ले लिया, यहाँ पे अल्फा ले लिया, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा। ध्यान से देखना बच्चा लोग, ध्यान से देखो, अभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, शुरुआत है एकदम बेसिक से है। चलिए एकदम धीरे धीरे जाएंगे हम। पहले मैं बात करूंगा बीटा के लिए, तो बीटा के लिए अपोजिट कौन है, बीटा के लिए अपोजिट ध्यान से देखना है, बीटा के लिए अपोजिट कौन होना चाहिए, √2 होना चाहिए, और बीटा के लिए एडजेसेंट कौन होना चाहिए, √3 होना चाहिए। देखो बीटा के लिए अपोजिट √2 हुआ, और बीटा के लिए एडजेसेंट कौन हुआ, √3 हुआ। ठीक है, एक टाइम पे आपको किसी एक को ही देखना है। अभी मैं थीटा के लिए बात करूं, तो थीटा के लिए अपोजिट क्या बनेगा, थीटा के लिए अपोजिट √3 बन रहा है, और एडजेसेंट क्या बन रहा है, थीटा के बाजू में ठीक है। सेम वे यहाँ पे मैं अल्फा के लिए डिसाइड कर रहा हूँ, पहले अल्फा का अपोजिट प्रियांशी बताएगी, √x। अल्फा का अपोजिट √x, बिल्कुल सही। एडजेसेंट बताओ, एडजेसेंट ये √y। और थीटा का अपोजिट y। थीटा का अपोजिट मतलब थीटा और ये अपोजिट √y, और थीटा का एडजेसेंट √x। चलिए जेनब बता रही है, जेनब है क्या, जेबा बताएगी, जेबा बीटा का अपोजिट बताओ, जेबा क्या आएगा बीटा का अपोजिट, जोर से बताओ, आवाज नहीं सुन पा रहे। एट। 8, और बीटा का एडजेसेंट 9, बिल्कुल सही। चलिए अब थीटा की बारी, थीटा का बताओ, नहीं। तक्स तुम्हारा माइक कनेक्टेड नहीं हुआ है प्रॉपरली, तक्स तुम्हारा माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, हाँ सर, वो सिंपल आवाज आती है। किसी एक एक डिवाइस पे, दोनों पे माइक ऑफ कर दो, लूपिंग हो रहा है तुम्हारा वॉइस।
ओके ओके फाइन, जेनी बता रही है थीटा का अपोजिट, जैनी खुशी। यस सर, यस सर, थीटा का अपोजिट, थ्री एक्स, थ्री एक्स, थीटा का अपोजिट ओ उसमें नाइन, नाइन, और एडजेसेंट एट, एट, एट। चलिए बहुत ही अच्छा, अभी हम थीटा की बात करेंगे यहाँ पे और अल्फा की। कौन बताएगा? राधिका। यस सर, यस सर, थीटा का ओपो, टू वाई, टू वाई, थीटा का थ्री एक्स, थीटा का थ्री एक्स, टू और एडजेसेंट वाई, टू वाई, अल्फा का अपोजिट, टू वाई, टू वाई, और एडजेसेंट थ्री एक्स, थ्री एक्स, थ्री एक्स। ओके ओके, चलिए अभी एक एक स्टेप हमारा बन गया, अभी हम दूसरा स्टेप बनाएंगे। चलिए अभी मैंने बताया था कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है ऑपोजिट बाय हाइपो, ठीक है? ये हमारा मेन फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपो। अब ध्यान से देखना, अगली 10 मिनट मेरी होगी, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे वैल्यू ले रखी है √3, √5, और यहाँ पे लिखे रखा हुआ 10, यहाँ पे लिखा हुआ 10, 6 और 8। एंगल ले रहा हूँ मैं थीटा, और यहाँ पे लिया हुआ है थीटा, फिर यहाँ पे ले रखा है मैंने अल्फा, और यहाँ पे लिया हुआ है बीटा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा फाइन करना है, साइन थीटा फाइन करना है। अब मुझे मालूम है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपो, ऑपोजिट बाय हाइपो। वेरी गुड, अभी आंसर मत बताओ, ऑपोजिट बाय हाइपो। अब देखो ऑपोजिट किसका अपोजिट, यहाँ पे जो होगा उसका अपोजिट, यहाँ पे मतलब थीटा, थीटा के अपोजिट में कौन है, √3 है, और हाइपो कितना था हमारा 10, ठीक है? चलिए अभी इसी में मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, मुझे फाइंड करना है साइन अल्फा की वैल्यू। अब साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपो, बट किसका अपोजिट, यहाँ पे जो होगा उसका अपोजिट, अल्फा का अपोजिट तो कितना दिया हुआ है, √5, मतलब ये हो गया √5 बाय हाइपो, कितना था ये आपका हाइपो था, ये 10 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मुझे साइन थीटा फाइंड करना है, साइन का फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट बाय हाइपो, बट किसका अपोजिट लेना है, यहाँ पे जो होगा उसका थीटा का अपोजिट मतलब 6, और हाइपो है हमारा 10। फिर मुझे फाइंड करना है कॉस, अरे साइन बीटा, साइन बीटा, ठीक है? साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय हाइपो, ठीक है, बट किसका अपोजिट, बीटा का अपोजिट, बीटा का अपोजिट कौन है, बीटा के अपोजिट में 8 है, और हाइपो तो हमें मालूम है 10 लेना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ढूंढना है। अभी किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे, जल्दी से, जल्दी से फटाफट, यस और नो, एक बार जल्दी से, सारे बच्चे नो सर, एक बार फिर सर, मुझे एक डाउट है सर, मुझे
बताओ। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें साइन ही फाइंड करना है या कॉस ऐसा कुछ फाइंड करना है, पता कैसे वो चलेगा? आपको, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अभी जो समझाया मैंने इस स्लाइड के अंदर, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये मैं छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट, आपके कंसेप्ट में बिल्ड कर रहा हूँ अभी। मतलब क्वेश्चन आप कर सको वैसे मैं आपको उसके लायक आपको बना रहा हूँ, कि आपको मतलब आपके दिमाग में कंसेप्ट बिठा रहा हूँ कि ऐसे करना है ऐसे करना है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, अभी सिर्फ हम कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। पिछली स्लाइड में मैंने कुछ पढ़ाया, अभी जो पढ़ाया उसमें किसी को भी प्रॉब्लम है? नहीं है, तब नहीं है। नहीं ना, ठीक है ठीक है। चलो बहुत ही अच्छा। आप देखना, मैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि यही क्वेश्चन है, जस्ट मतलब उसका एक मुझे पता है कि ऐसा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, और उसमें ये वैल्यू है कितनी आपकी? 3। और ये वैल्यू दिया हुआ है 4। ठीक है, और आपको क्या पूछा हुआ है? आपको पूछा है कि इस ट्रायंगल में आपको साइन ए ढूंढना है, साइन बी ढूंढना है। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन है, वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। आपको साइन ए ढूंढना है और साइन बी ढूंढना है, और साथ में आपको साइन सी भी ढूंढना है। ठीक है, कुछ भी दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना है। आप पहले सोचो कि साइन का फॉर्मूला क्या है। आपको मालूम है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपो, ऑपोजिट बाय हाइपो। ठीक है, क्या आपके पास हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है? नहीं है। तो पहला काम तो क्या रहेगा, आपको हाइपो ढूंढना पड़ेगा। अब हाइपो ढूंढने के लिए आपके आपको किसके पास जाना पड़ेगा? पाइथागोरस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा बेस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर, और हमें हाइपो पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में हाइपो की जरूरत पड़ने वाली है, देख सकते हो। सॉरी, अभी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है हमारा? 3 स्क्वायर प्लस बी कितना है? 4 स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू 5। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये रूट लग जाएगा इसीलिए, बराबर ये आपका आ गया 5। हाइट की आप हाइपोटेन्यूस कितना आ गया? 5 आ गया, राइट? अब मैं देखना वैल्यू निकाल रहा हूँ। मुझे मालूम है साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपो। बट किसका अपोजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ए एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब आपके ए का अपोजिट देखना है। अब ए तो ये रहा, मतलब आपका यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? थीटा लेना पड़ेगा, और ए के सामने कौन? 4 बाय 10। फिर आपको क्या ढूंढने के लिए बोला गया है? साइन बी ढूंढने सिर्फ के लिए, फाइव है। साइन बी सिर्फ फाइव है। हाँ, 5। ठीक है, साइन बी ढूंढने के लिए बोला गया था। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपो। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कुछ भी एंगल आएगा वो एंगल कैसा आएगा? एक्यूट एंगल आएगा, और एंगल बी तो कैसा है? 90 है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर साइन सी की बात करूं तो साइन का फॉर्मूला क्या था? अपोजिट बाय हाइपो। किसका अपोजिट? सी का। तो सी आपका ये रहा,
ये वाला सी, उसके सामने कौन है? थ्री, वो थ्री और हाइपो कितना है हमारा? फाइव। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो गई? थ्री बाई फाइव। साइन ए की वैल्यू क्या हो गई? फोर बाई फाइव, ठीक है। और साइन बी, आपका बी वाला एंगल तो यहाँ पे आएगा, और मैंने बताया था कि बी यहाँ पे कोई एंगल थीटा बनता नहीं है, ठीक है। एंगल आपके कहाँ बनेंगे? थीटा ए पे या सी पे बनेगा, बी पे थीटा नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आई आपको किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है सारी बातें? कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? नो नहीं no. अभी मैंने साइन की बात की, वैसे हम यहाँ पे कॉस की बात करेंगे। अभी मैं कोई क्वेश्चन के ऊपर नहीं आया हूँ, हम छोटे छोटे कंसेप्ट बना रहे हैं। मुझे इस ट्रायंगल में साइन सी की वैल्यू चाहिए और कॉस सी की वैल्यू चाहिए और साथ में टेन ए की वैल्यू चाहिए। इन तीनों वैल्यू मुझे इस ट्रायंगल से चाहिए, ठीक है। अब ट्रायंगल में कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ट्राइंगल में तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो आप पहले उसको ढूंढो, ट्राइंगल की तीनों साइड आप बना लो पहले, ठीक है, फिर ही आप वैल्यू ढूंढने का कोशिश करो। यहाँ पे मुझे मालूम है कि देखो ये बेस वाला जो साइड है वो मिसिंग है, बेस वाली साइड मिसिंग है। परपेंडिकुलर तो फिलहाल दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर, हाइपो भी हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बेस, हमें स्टार्ट बेस ढूंढना पड़ेगा। तो बेस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद ही आप स्टार्ट करोगे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए मुझे इस बार बेस ढूंढना है तो मैं इस पी को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। एच कितना है हमारा 10, माइनस पी कितना है 6, स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हो गया 100 माइनस 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप जानते हो 64 किसी का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो 8 जा 64 होता है, तो ये इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, राइट। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला साइन का, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। किसका अपोजिट लेना है, सी का अपोजिट। आप देख सकते हो ये सी वाला एंगल, इसके अपोजिट में कौन आएगा, 6 आ जाएगा, और हाइपो कितना है हमारा 10। फिर हम देखेंगे कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। अब किसका एडजेसेंट और किसका हाइपो, सी का एडजेसेंट, तो सी वाला एंगल ये रहा, मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, इसका एडजेसेंट कौन बनेगा, ये बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8, और हाइपो तो हमारा 10 ही है। फिर बात करें 10 ए की बात हो रही है, 10 का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये ओ बाय ए, अपोजिट बाय एडजेसेंट, किसका अपोजिट और किसका एडजेसेंट, ध्यान देना यहाँ पे ए की बात हो रही है, तो आपको ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल, ए वाला एंगल, ठीक है, जो मैंने डार्क कर रहा हूँ अभी, मैं तुम्हें रेड से दिखा दूँ, ये वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा इस बार, एंगल ए बोला है तो एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, और उसमें क्या है, पहले अपोजिट, तो ए के अपोजिट में कौन है, 8,
और फिर एडजेसेंट, तो ए के एडजेसेंट में कौन है, सिक्स, तो ये आपका हो गया सिक्स हो गया। ठीक है, अभी इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। देखो अब अगर आपके पास क्या आ गया, साइन सी आ गया, तो आप इसका उल्टा जानते हो क्या होगा, कॉसेक सी। आपको कॉसेक सी का पूछा गया हो तो आप क्या कर दो, इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, 10/6 कर दो। आपको पूछा होता कि सेक सी, यहाँ पे तो आप क्या कर दोगे, 10/8 कर दोगे। यहाँ पे पूछा होता कि कॉट ए, तो मुझे मालूम है कि कॉट ए किसका उल्टा है, टेन ए का उल्टा है, तो कॉट टेन ए में क्या वैल्यू आई थी, 8/6, तो आप क्या करोगे, 6/8 कर दोगे। तो इस तरीके से अगर आपने तीन वैल्यू फाइंड कर ली तो बाकी के तीन वैल्यू ऑटोमेटिक आप इसको उल्टा कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए ताकि थोड़ी और भी मेथड पक्की हो जाए दिमाग के अंदर। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आपको पूछा गया है साइन ए कोसेक ए कॉट सी और टेन ए, आपको इतनी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। पहले तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे मेरी हाइपोटेन्यूज गायब है, तो पहले मैं हाइपो ढूंढूंगा। ये बेस आ गया, परपेंडिकुलर और हाइपो गायब है, पहले तो हम हाइपो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच नहीं मालूम, एच स्क्वायर एज इट इज, पी की वैल्यू कितनी थी, टू, टू का स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू, वन का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस वन, एच इज इक्वल टू फाइव, एच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट फाइव। तो इस तरीके से मुझे हाइपो मिल गया, यहाँ पे कितना, रूट फाइव। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कोई बात नहीं, साइन का फॉर्मूला लिखो, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, किसका अपोजिट लेना है, ए का अपोजिट, तो ए के सामने देख सकते हो वन दिया हुआ है और हाइपो हमारा रूट फाइव आया है। ठीक है, अब कॉसेक का फॉर्मूला आप जानते हो, कॉसेक मतलब साइन का उल्टा, साइन का फॉर्मूला क्या था, एच बाय ओ था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच बाय ओ लिखेंगे, और किसका हाइपो और किसका अपोजिट, और ए का अपोजिट कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। कॉट की बात करें तो कॉट मतलब टेन का उल्टा, टेन का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, कॉट सी। कॉट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, बिल्कुल सही। अब सी का एडजेसेंट देखो, आप सी का एडजेसेंट, तो सी का एडजेसेंट तो ये रहा आपका वन, और C का अपोजिट देखो, C का अपोजिट क्या होगा, 2, ये आ गया। अब 10 A दिया हुआ है, 10 का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट बाय एडजेसेंट था, किसका अपोजिट देखना है आपको, A का अपोजिट, तो A का अपोजिट देख सकते हो 1 है और A का एडजेसेंट 2 दिया हुआ है, 1/2 आ गया। इस तरीके से आप को सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे साइन का मीनिंग क्या है, साइन का मीनिंग आपको मालूम है, साइन का मीनिंग होता है ओ बाय एच, बट किसका अपोजिट लेना है तो आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। फॉर्मूला आ गया आपके दिमाग में, तुरंत आपकी आंखों के सामने फॉर्मूला आता है तो वैल्यू आप सॉल्व भी नहीं करोगे और आपके दिमाग में वैल्यू आ जाएगी कि इसमें इतना आंसर आएगा। फिर हम आज का सेशन ख़त्म करेंगे, कल से हम बुक के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ पे
वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपो मिसिंग है, हाइपो फाइंड कर लेते पहले। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी। हाँ सर, ये कितनी बार की है आंसर? 5 है तो डायरेक्ट लिख दो ना, टाइम वेस्ट नहीं। एक मिनट। चलो इस बार आपको ट्रिपलेट याद हो गया। ओके अब क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सीधा क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा बोल दिया। कोई बात नहीं, लिख दो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अभी थीटा कहाँ पे लेना है, ए पे लेना है या सी पे लेना है, ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो थीटा। मैं हमेशा सी पे लेता हूँ। यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। अब साइन का मतलब आपको मालूम है, ऑपोजिट बाय हाइपो, पहले फार्मूला लिख लीजिए आप, एडजेसेंट बाय हाइपो, फिर ऊपर ऊपर का आपको लेना है ए बाय ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, इसको घुमा दो आप, एच बाय ओ हो जाएगा, एच बाय ए हो जाएगा, इसको घुमा दो आप, ए बाय ओ हो जाएगा। मतलब पहले आप तीन को ही फाइंड करोगे, बाकी को आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। चलिए अब थीटा का अपोजिट जाइए, थीटा का अपोजिट है 3 और हाइपो आ गया 5, थीटा का एडजेसेंट आ गया 4 और हाइपो आ गया 5, थीटा का अपोजिट 3 और एडजेसेंट 4। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को घुमाएंगे, ये हो गया 5/3, ये हो गया 5/4 और ये हो गया 4/3, ठीक है। ये वैल्यू मैं क्यों एज इट इज़ लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा थीटा चेंज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे भी थीटा था और यहाँ पे भी थीटा था। अगर आपको ऐसा लिख के आ गया साइन ए और कॉसेक सी, ठीक है, तो आप क्या समझते हो कि ये तो साइन है और ये कॉसेक है। चलो मान लिया कि साइन ए में वैल्यू आई आपकी 3/7, ठीक है, और आप क्या करोगे जल्दबाजी में कि यहाँ पे तो कॉसेक लिखा हुआ है और कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है और साइन की वैल्यू हमें मालूम है 3/7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/3। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो आपका ए है और यहाँ पे जो थीटा है वो आपका सी है। दोनों में आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज है। मैंने क्यों लिखा यहाँ पे डायरेक्ट सेम टू उल्टा कर दिया, क्योंकि जो थीटा है वो सेम है। देखो सब में मैंने सब में थीटा सेम ही लिया है, कहाँ पे, सी के ऊपर। जब कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप इस तरीके से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शायद आपको 8.1 में पहला क्वेश्चन ही देखने को मिल जाएगा ऐसा। वैसे अभी आज एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो आशा रखता हूँ कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, और कुछ हो तो मुझे बताओ अभी। साइंस का अभी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेस हमारा बन जाए, थोड़ा एक्सरसाइज करना आप शुरू कर दो, उसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है कार्बन कंपाउंड का, अभी हम थोड़ा उससे आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे युक्ति, तक्ष, श्रद्धा, शिवांग, राधिका, प्रियांशी, प्रिंस अग्रवाल, यहाँ पे प्रिंस ज्वाइन नहीं हुआ आज, खुशी मानवानी, दिग्विजय जैनी, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, ठीक है, नो सर, ओके ओके, कोई बात नहीं। अगर प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है,
तो वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से भी एक बार जाके रिफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर कल वापस इसी टाइम पे मिलेंगे, 8 बजे तैयार रहो और कल हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। होमवर्क सबको करना है, मैं नेक्स्ट संडे सबको कॉल करके बोलूँगा होमवर्क नोटबुक देके जाए, आपका होमवर्क नोटबुक सबमिट कराना है। काफ़ी सारे बच्चों ने इस बार होमवर्क नोटबुक सबमिट कराया है। हेलो सर, जो नहीं करा रहे हैं नेक्स्ट संडे से सबमिट कराना है आपको भी। हेलो, ओके फिर चलिए। हेलो हेलो, अरे सर यार मीटिंग ज्वाइन कराऊं तो दिखा रहा है कि एरर कोड 404। मतलब तुम मीटिंग में थे नहीं अभी तक? मीटिंग में बाहर निकल गया।